हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हम लोग का है जूफेली। जू से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो एनिमल को इंडिकेट कर रहा है। किसको? एनिमल्स को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको ये सुनने में और समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैं एनिमल्स को ही क्यों बात कर रहा हूँ, बाकी सब मैं क्या बता रहा था। तो बेसिकली जो है सभी चीज़ों को ऑल ओवर यूनिवर्स को प्लांट्स और एनिमल्स में ही बांटा गया है। पर जानने वाली बात यह है कि इसमें स्पेशलिटी क्यों बताया गया जूफेली को। तो ये दरअसल हम उस एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो कि वर्टिब्रेट हों। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। न केवल जूफेली पढ़ेंगे और भी कुछ पढ़ेंगे पॉइंट्स जो कि अलग अलग चीज़ों से, जैसे स्नेक से हो गया, एंट से हो गया, चाहे वो स्नेल से हो गया, कैसे पोलिनेशन होता है, कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, देखते रहिए द टाइम सेवर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो ये मैंने बताया एनिमल्स के ज़रिए पोलिनेशन हो, उसमें एग्जांपल हो जाएगा मंकी जो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, स्क्वेरल्स आ सकती हैं, ग्रेजी एनिमल्स आ सकती हैं जो चरने वाली हों, चाहे स्क्वेरल हो सके। ये सभी क्या होती हैं? कुछ प्लांट्स पर चले जाते हैं, उनके फ्लावर्स पर चले जाते हैं, चाहे वो नेक्टर या स्मेल्स के लिए या कलरफुल पार्ट्स पेटल्स के लिए जो अट्रैक्ट करता है। तो पोलिनेशन फीमेल पार्ट्स पर जाएंगे तो पोलिनेशन हो जाता है, इसे हम जूफेली कहते हैं। आइए समझते हैं कुछ और कुछ उसके पास क्या विशेषता होना चाहिए। कलर्स होने चाहिए, सेंट होना चाहिए और एडिबल पार्ट्स होने चाहिए, चाहे वो पोलिंग्रन हो चाहे वो नेक्टर हो। खाने के लिए वो क्या जाते हैं? एनिमल्स जाते हैं वहाँ पर। आमतौर पर कौन जाते हैं? स्क्वायरल जाती हैं जो खाने के लिए, या और भी चीज़ें जाती हैं। अगर ग्रेजिंग के लिए बड़े बड़े एनिमल्स की बात करेंगे तो वो सीधे सीधे फ्लावर्स ही खा जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो नेक्टर्स के लिए, पोलिंग्रन के लिए जाती हैं, तो उन्हें क्या हो सकती है, वो पोलिनेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखते हैं मेलाकोफिली होता है। मेलाकोफिली का मतलब ऐसे प्लांट्स या ऐसी पोलिनेशन जो स्नेल के ज़रिए हो। स्नेल के ज़रिए जो पोलिनेशन होता है उसे हम मेलाकोफिली कहते हैं। और उसमें एग्जांपल एरिसेमिया नाम का प्लांट्स होता है जो कि मेलाकोफिली यानी स्नेल ज़रिए होता है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओफियोफिली। ओफियोफिली का मतलब ऐसा पोलिनेशन जो स्नेक के ज़रिए हो। क्या हो? स्नेक के ज़रिए हो। और उसमें से मेनली जो होता है कौन से पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर? संतलुम यानी संतलुम ट्रीज हो सकती हैं जिस पर ज़्यादा स्नेक रहते हैं, तो उस पोलिनेशन स्नेक के ज़रिए होता है। तो एक शब्द में ओफियोफिली कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है मैरेमैकोफिलिस का मतलब ये हुआ कि ऐसा पोलिनेशन जो एंट्स के ज़रिए हो, चींटियों के ज़रिए हो, उसे हम मैरेमैकोफिली कहते हैं। और उसमें क्या विशेषता हो सकती है? एंट विजिट इनकॉन्स्पिशियस लो ग्रोइंग फ्लावर्स पोजिशन क्लोज टू द स्टेम, यानी स्टेम के नज़दीक जो फ्लावर्स ग्रो करती हैं वहाँ पर एंट्स पोलिनेशन करने के लिए क्षमता रखती है। तो इसमें एग्जांपल्स कौन सा हो सकता है? पॉलीगरम कैस्केडेसिस, ऐसा एग्जांपल जो कि एंट पोलिनेशन करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अलग अलग टर्म्स जिसमें अलग अलग तरीके से बताया गया है। हर एक चीज़ों का इंडिविजुअल नेम है। अगर वो स्नेल करे तो, एंट करे तो, स्नेक करे तो, और कोई एनिमल्स करे तो, उनको पार्टिकुलर नेम से बुलाया जाता है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी समझ सकें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।